हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मैकिंग प्रोजेक्ट चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में 555 नंबर आईसी को दो तरह से यूज़ करके देखेंगे, जिसमें एक फ्लैशिंग टाइप में और दूसरा टच ऑन ऑफ के टाइप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम 555 नंबर आईसी को एक फ्लैशिंग के रूप में यूज़ करेंगे। इसमें हम कुछ कंपोनेंट लेते हैं, जैसे एक आईसी 555 नंबर और दो रेजिस्टेंस, एक एलईडी, एक कैपेसिटर और एक बैटरी, और इन सबको हम इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें हमने 555 नंबर आईसी में जो पिन नंबर 8 और 4 को हम पॉजिटिव देते हैं, पिन नंबर 1 को नेगेटिव देते हैं और पिन नंबर 3 से आउटपुट लेते हैं, और पिन नंबर 6 और 2 को एक साथ कनेक्ट करके हम ग्राउंड और इन पिन के बीच में एक कैपेसिटर को देते हैं, और इस कैपेसिटर की सीरीज में एक रेजिस्टेंस देते हैं जिनको पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें पिन नंबर 3 पर आउटपुट मिलने वाले उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के जिसकी जो वैल्यू होगी उनकी मल्टीपल के अनुसार ही होगी। अगर हमें फ्रिक्वेंसी हाई चाहिए यानी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी चाहिए तो इनकी वैल्यू को कम कर देते हैं, और अगर हमें इसकी जो फ्रिक्वेंसी वो कम चाहिए तो इनकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो मैं इनको कंप्लीट कर देता हूं और आपको कंप्लीट करके दिखाता हूं। तो मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है, देखिए बहुत ही बेसिक सर्किट है। तो अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो अब हम इससे बैटरी को कनेक्ट करते हैं। और पॉजिटिव, ये देखिए ये फ्लैशिंग कर रही है, लेकिन शायद आपको इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण शायद कम पता चलता है इसे, ये देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसकी जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। इसमें हम 40 के का रेजिस्टेंस लगा देते हैं पहले, नहीं मैं 100 के का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, तब जाके देखते हैं इसकी जो वैल्यू कितनी शेल हो जाती है। ये देखिए इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो चुकी है। अब इसको चेंज करके हम एक 470 के ओम का रेजिस्टेंस लगाकर देखते हैं। ये देखिए इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से हम काफ़ी एलईडी को यूज करके एक फ्लैशिंग लाइट तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दूसरा प्रोजेक्ट बना करके दिखाता हूँ। तो इस सर्किट में हम केवल 555 नंबर आईसी को यूज करके हम एक टच से ऑन ऑफ सर्किट तैयार करेंगे। इसमें एक नंबर पिन को ग्राउंड करते हैं और 8 नंबर पिन को पॉजिटिव देते हैं, और पिन नंबर 3 से इसका आउटपुट लेते हैं। इसमें पिन नंबर 1 और 2 को टच करने पर यह ऑन हो जाएगा, और पिन नंबर 5 और 6 को टच करने पर यह ऑफ हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सी सर्किट है, आप इसे आसानी से बना सकते हो। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपको इसे दिखाता हूँ। तो मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो, जिसको हमने एक में एक नंबर पिन को नेगेटिव और 8 नंबर पिन को पॉजिटिव दिया है। तो अब मैं इसको ऑन और ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही बेसिक सी सर्किट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सप्लाई देते हैं एक 9 वोल्टेज की बैटरी से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव दे देता हूँ और उसके बाद इसको नेगेटिव दे देता हूँ, ठीक है। हमारे सर्किट और कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं पिन नंबर 1 और 2 को टच करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगी। एक मिनट, ये मैंने यहाँ पे देना है, ठीक है, ये ऑन हो गई। और इसे मैं ऑफ करता हूँ तो इसको टच कर देता हूँ, ये ऑफ हो गई। ऑन करने के लिए 1 और 2 को टच करते हैं, ऑफ करने के लिए 5 और 6 नंबर पिन को टच करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये बहुत ही आसान सी सर्किट है, आप आसानी से बना सकते हो। और इस सर्किट का यहाँ पे जो एलईडी लगाई है मैंने, यहाँ पे रिले का यूज़ करके आप किसी पावर वाली यानी 230 वोल्टेज पे चलने वाले जैसे बल्ब वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।